हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको परवल की मिठाई बनाना बताएंगे। बहुत ही फेमस रेसिपी है, यूपी की स्पेशल मिठाई है ये। इसकी हम ज़्यादातर सब्जी बनाते हैं, लेकिन आज हम इसकी मिठाई बनाएंगे। इसके लिए हमने 300 ग्राम परवल लिया हुआ है। इसको आपको पहले छीलना है। ये देखिए, बताते जिस तरह से ये हमारे सारे छिले हुए हैं, आपको बताते किस तरह हमें छीलना है। इस तरह से हमें सारे छीलने हैं। ये देखिए, हमने इसे छील लिया है। अब इसे ये हमें ऊपर से ये काटना है। और इसे बीच में चीरा लगाना है। इसे नीचे तक चीरा नहीं लगाएंगे, ये ऊपर तक हम लगाएंगे। और ये अंदर का जो बीज है, ये हमें निकालना है। इसे हमें बहुत सेफ्टी से निकालना है, जिससे ये फट ना जाए। इसको आराम से इसे निकालिए, धीरे धीरे हल्के हाथ से निकालिए। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये फट जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें ये निकालना है। ये चम्मच से पीछे से आराम से निकालिए। यदि आप ज़्यादा प्रेशर देंगे, ये देखिए हमारा एक फट गया था शुरुआत में, ये देखिए इस तरह से ये फट जाएगा, तो इसे भरने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हमें इसके सारे बीज निकालने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें छीलना है सारे। ये देखिए, हमने सब बीज निकाल लिए हैं इसमें के। ये देखिए, आप बड़े या छोटे इस तरह के छोटे भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी स्टफिंग कम आएगी, लेकिन इसमें अच्छी तरह आप भर सकते हैं। अब हमें गैस पे पानी रखना है। ये देखिए, इसके अंदर हम परवल डालेंगे। ये देखिए, हमने गैस पे रख दिया है। इसे हमें 2 मिनट बस पकाना है। बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है, बस इतना ही पकाना है। ये देखिए, चुटकी भर हम सोडा डालेंगे, जो खाने वाला सोडा होता है, बस यही डालना है। इससे रंग बहुत अच्छा आता है, इसका रंग बदलेगा नहीं, इसलिए हम सोडा डालते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। बस इसका हमें जो इसमें स्मेल आती है कच्चेपन की सब्ज़ी में, बस वो ही निकाल लीजिए। इसे अच्छी तरह छान लीजिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसे हमने बर्फ़ के पानी में रख दिया है, इससे जो इसका पकने का जो है प्रोसीजर, वो रुक जाएगा। यदि आप ऐसे ही गर्म पानी में रहने देंगे तो ये और पक जाएगा, तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे बर्फ़ के पानी में डालेंगे। ये देखिए, हमने बर्फ़ के पानी में से निकाल के इस छन्नी में रख दिया है। इसके अंदर पानी जो भी हो एक्स्ट्रा, वो निकाल दीजिए और इसे थोड़ी देर ऐसे रहने दीजिए, जिससे इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। ये देखिए, 200 ग्राम करीब चीनी है, 1 कप चीनी है। अब इतना ही हम पानी डालेंगे। हमने 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे। बस इतना पानी हम डालेंगे। अब हम एक उबाल आने देंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, एक तार की या दो तार की कोई चाशनी नहीं बनानी, बस सिंपल बॉयल आना है। ये देखिए, चीनी पिघल चुकी है और उबाल आ गया। इसमें हम 2 इलायची डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। यदि आपकी चाशनी गंदी है तो आप दूध डाल के इसे साफ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हम आधा चम्मच करीब डालेंगे। ये थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपकी च्वाइस है, आप रोज़ एसेंस या जो मर्जी आप इलायची ही डाल सकते हैं, और कुछ मत डालिए। अब ये हम इसके अंदर परवल डालेंगे। ये देखिए, अब हमें चाशनी में खाली 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा आप पकाइए मत। अब ये हमारा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं।
इसको एक मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए जिससे चाशनी अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, तब ही हम इसे निकालेंगे। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें 200 ग्राम खोया चाहिए। ये घर का बना हुआ खोया है। यदि आप बाज़ार का खोया लेते हैं तो आप उसे पहले थोड़ा सा भून लीजिए, बस कलर चेंज ना हो, क्योंकि कलर चेंज होने पे थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच पाउडर शुगर। ये घर की पिसी हुई चीनी है, हमने मिक्सी में से पीस लिया है। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने परवल को चाशनी में पकाया है, तो इसलिए आप बैलेंस बना के डालिए। इसमें हम काजू, बादाम और पिस्ते थोड़े से डाल रहे हैं। आपकी च्वाइस है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसे मिला लीजिए। ये मैंने फ्रिज में खोया रख दिया था, इसलिए थोड़ा ड्राई हो गया है। ये देखिए, हम इलायची एसेंस डाल रहे हैं। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हम दो तीन बूंद डालेंगे। ये देखिए, हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसे अच्छी तरह से मसल दिया हमने। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डो तैयार हो गया है। ये देखिए, हमने चाशनी में एक मिनट रख के इसे निकाल दिया था। ज़्यादा देर रखेंगे तो बिल्कुल गल जाएंगे। और इसका हमने बिल्कुल चाशनी निकाल दी है, बिल्कुल चाशनी है नहीं, ठंडे हो गए हैं देखिए बिल्कुल। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए, आप ऐसे कर लीजिए और इसके अंदर आप भर दीजिए। इसको हल्के हल्के हाथ से ही भरिए, अच्छी तरह से इसे दबा दीजिए। ये देखिए, यदि आप स्टफिंग में नारियल डालना चाहते हैं तो आप नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार में मिठाई मिलती है तो उसमें नारियल नहीं होता है। इसी तरह फिर ऐसे हम बनाएंगे। इस तरह करने पे आपको बहुत आराम रहेगा भरने में। इस तरह से आपको इसको खोल के ऐसे अच्छी तरह से आप भर दीजिए, इसे दबा दीजिए। इसी तरह हमें सारे भरने हैं। हमारी ये परवल की मिठाई बिल्कुल तैयार है। इसे आप फ्रिज में थोड़ी देर रखिए और ठंडा करके तब आप बिल्कुल चिल्ड खाइए, तो और टेस्टी लगेगी। यदि आप ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं।